डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास फोर्थ के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 12 चेंजिंग टाइम पढ़ने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में बेसिकली क्या है वो मैं आपको पहले बता दूं। आप अपने फैमिली के साथ रहते हैं, आपसे पहले आपके फादर मदर अपने फैमिली के साथ थे और उससे पहले आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर थे। पहले, आज से बहुत पहले आपके फैमिली का स्ट्रक्चर क्या था, आपका लाइफस्टाइल कैसा था उनका, वो सब आपको नहीं पता होगा। अगर आप पूछेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। इस चैप्टर में मेनली क्या है कि पुराने समय से लेकर अब तक जो जो चेंजेस हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे रहने के तरीके में जो चेंजेस आया है, और सोशल चेंजेस यानी हमारे फैमिली में, हमारे कंट्री में क्या क्या चेंज आया है, उस चीज़ को एक पर्सन है चेतन दास की स्टोरी से इसमें समझाया गया है कि टाइम टू टाइम जो हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी जो नीड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने फैमिली में और हमारे लाइफस्टाइल में बहुत सारा चेंज करना पड़ता है। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करें। चैप्टर 12 चेंजिंग टाइम्स। My name is Chetan Das. Many years ago, I used to teach children like you. बच्चों, इनसे मिलिए, ये चेतन दास है, ये बताते माई नेम इज चेतन दास, यानी इनका नाम चेतन दास है और ये बहुत सालों तक बच्चों को पढ़ाते रहे, आप जैसे बच्चों को इन्होंने पढ़ाया है। These days, I spend my time by writing about the days when I was young. चेतन दास जी क्या बता रहे हैं कि इन दिनों मैं अपने पुराने टाइम को, जो बीता हुआ समय, उसको लिख रहा हूँ जब मैं यंग था, यानी जवान था। I would love to share some of these with you. चेतन दास जी आपसे ये सब चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, उनको बहुत अच्छा लगेगा, वो आपको बताना चाहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है अ बिग मूव। आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वाज 9 years old। वो अपना टाइम याद करते हैं जब वो 9 साल के थे। इट मस्ट हैव बीन ओवर 60 years ago। इसको कितना साल हो गया है, लगभग 60 साल हो गया इस बात को। दैट वाज व्हेन वी लिव्ड इन डेरा गाजी खान। ये तब की बात है जब ये जो है चेतन दास जी, वो डेरा गाजी खान यानी ये जगह जो है, ये बेटा पाकिस्तान में है इस समय। उस समय जो है, जबकि ये बात है, हमारा पूरा कंट्री एक था और उस समय पाकिस्तान या बांग्लादेश जो है वो अलग कंट्री नहीं था। ये हमारा, जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ है 1947 15th ऑफ अगस्त को, तब ये कंट्रीज अलग हुए हैं। ये उस समय की बात है जब कंट्रीज एक थी। टुडे दिस प्लेस इज इन पाकिस्तान। एट दैट टाइम देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑल अराउंड अस। उस समय बहुत सारी परेशानियां हम लोगों के सामने थी। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट वॉज हैपनिंग, यानी उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, क्योंकि बेटा वो केवल 9 साल के थे और उन्हें ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी कि क्या हो रहा है। वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड टू लीव आवर विलेज एंड मूव टू अनदर प्लेस। क्या हुआ कि एक दिन बाबा ने, यानी इनके पिताजी ने कहा कि हमें इस जगह को छोड़कर किसी नए जगह पर जाना होगा। आई वॉज सैड टू लीव माई हाउस एंड माई विलेज। ये क्या बताते हैं कि वो जो थे बहुत सैड थे, बहुत उदास थे। कोई भी अपने घर को, अपने गांव को छोड़ेगा तो उदास तो होगा ही ना बच्चों। दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स। ऐसा क्यों था, क्योंकि वहीं पर उनके सारे दोस्त थे बेटा।
ऑल ऑफ अस बाबा अम्मा माई यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड आई टूक अ ट्रेन टू कम हेयर। और उसके बाद मेरी पूरी फैमिली मेम्बर्स के सभी लोगों ने ट्रेन लिया, ट्रेन पर चढ़े और यहाँ आ गए। यहाँ कहाँ आ गए? जहाँ अभी चेतन दास जी रह रहे हैं, नियर दिल्ली। कहाँ आ गए वो लोग? नियर दिल्ली, यानी दिल्ली जो हमारा कैपिटल ऑफ इंडिया है दिल्ली, उसके पास आसपास वो लोग आ गए। लाइक अस मैनी पीपल फ्रॉम आवर एरिया ऑल्सो मूव्ड। पीपल वर सेइंग दैट आवर कंट्री वॉज बींग डिवाइडेड इंटू टू, इंडिया एंड पाकिस्तान। सभी लोग क्या बोल रहे थे बेटा कि हमारा जो देश है वो दो हिस्सों में बट गया है, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। बेटा आप अपने पेरेंट्स से भी इसके बारे में बात करेंगे कि जब हमारा कंट्री देश आज़ाद हुआ था 15th of August 1947 को, उस समय बहुत बड़ा माइग्रेशन हुआ था, बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान गए थे और बहुत सारे पाकिस्तान से इंडिया आए थे। ये बहुत बड़ा पलायन बोलते हैं हिंदी में, माइग्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं बेटा, स्थानांतरण हुआ था लोगों का। इसी में बहुत सारे लोग इंडिया आए थे जिनमें चेतन दास की फैमिली भी एक फैमिली थी। मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान गए हैं, जैसे कि चेतन दास की तरह लोग यहाँ पर इंडिया आए थे। फॉर सम टाइम वी ऑल स्टेड इन अ कैंप। चेतन दास जी क्या बता रहे हैं बेटा कि कुछ समय तक इन सबको कैंप में रहना पड़ा। कैंप जो वहाँ से लोग आए थे उनको रहने के लिए घर नहीं था, छत नहीं था, तो उनके लिए यहाँ इंडिया में क्या बनाया गया था? कैंप बनाया गया था जहाँ पर इन लोगों को रखा गया था। यहीं चेतन दास की फैमिली कुछ दिनों तक रही। वी लिव्ड इन बिग टेंट्स दैट वर पुट अप इन अ ह्यूज ग्राउंड। हम लोग बड़े से टेंट में रह रहे थे जो कि बहुत बड़े से ग्राउंड में बनाया गया था। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक चलेंगे, जिसमें हमने जान लिया है कि फ्रीडम के टाइम में और जब कंट्री का दो पार्ट में डिवाइड हो गया था कंट्री, और उस टाइम में ही चेतन दास की फैमिली जो है वो पाकिस्तान से इंडिया आ गई थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इस पार्ट को जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है आप इसको घर पर रिवाइज करेंगे। थैंक यू।